उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक बघरा के गांव कूटबा के प्रधान पद के उम्मीदवार बबलू अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का कहना है मैं कि अगर मैं प्रधान पद बनता हो तो मैं अपने गांव में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सड़क निर्माण, गांव में शौचालय, पानी का निर्माण, गांव में स्कूल और गांव में बच्चों के लिए खेल का मैदान और जिम और जो भी सरकार द्वारा योजना आएंगी मैं उनको पूर्ण रूप से गांव में करवाने का कार्य करूंगा। लोगों से मेरी यही अपील है कि 19 तारीख को मुझे भारी मतों से विजय बनाए और सबका साथ सबका विकास। और उनका कहना है कि मैं बगैर प्रधान बने अपने गांव में जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं अपने गांव की भलाई और सेवाएं दिन रात करता रहा हूं, जिससे मुझे गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार घोषित किया है, और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि 19 तारीख को मुझे विजय बनाएं और मैं गांव में शांतिपूर्ण रूप से चुनाव समाप्त हो। चुनाव का आगाज हो चुका है, पूरा यूपी पंचायती चुनाव के रंग में रंगा हुआ है, और जब से प्रत्याशियों को अपने अपने चुनाव चिन्ह मिले, सभी प्रत्याशियों ने अपने अपनी तैयारियों में जो पूरे जोर और दमखम लगा दिए है। इसी कड़ी में हम लोग आए मुजफ्फरनगर के कुटबा गांव में। कुटबा गांव से जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, ये महिला सीट है, यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं भारतीय किसान यूनियन के न्याय पंचायत अध्यक्ष श्री बबलू जी। बबलू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप चुनाव में आए हैं उसमें आने की सबसे बड़ी वजह क्या है, और आपने गांव में क्या क्या ऐसी कमियां देखी जिसको देखते हुए आप चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी ग्रुप में चुनाव लड़ रहे हैं? वो चुनाव में तो जी नहीं आ रहा, लोगों की सेवा करेंगे, गांव में जो है नाली पानी गड़नचे ये जो भी है। आप जो चुनाव से पहले भी जी चुनाव से पहले भी एक समाज सेवी है? हाँ जी, चुनाव से पहले समाज सेवी है, सब विषय खड़े होकर चले, जो भी आजाद जिसका भी काम हो जी 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 अपने गरीब भाई का किसी को पड़ेगा जी जी, उसमें जो है जी लगा हमारा काम करवा। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें पता लगा कि जैसे आप चुनाव में खड़े होने की सबसे बड़ी वजह है कि पंचायत ने चुनकर आपको खड़ा किया, सभी समाज के लोगों ने जी आपको, मतलब आप स्वयं ने खड़े होकर उन्होंने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया आपको, तो गाँव की जनता का रुझान कैसा है आपको, जो आपको लगता है? जनता का रुझान है, जनता का रुझान है जी, जनता का रुझान जो है जी हमारी तरफ ये ना कह रहे भाई। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज होता हुआ किसान। तो अनाज होता हुआ किसान, किसान की तो जीत वैसी होती है जी। तो जैसे भी हमने रुझान देखे तो जीत तो लगभग आपकी कंफर्म है, तो आपको अपने तरफ से क्या कितनी संभावना है? मुझे और तो पब्लिक पे, परमात्मा पे पूरी संभावना है। अच्छा, जैसे आपके गाँव की जो जनता है, आप उनसे अपने लिए क्या अपील करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं तो ये संदेश दे रहा जी, जी आप मुझे जीतो, मैं आपकी सेवा में 24 घंटे रहूंगा, पहले भी रहता तो सब विकास के कार्यों में क्या क्या मुद्दे हैं आपके? विकास के कार्यों में ये है जी, जी। गांव में जो है बिजली पानी गड़नचे ये सब चीज हो, जैसे पूर्व में भी आपने देखा गरीब जनता है जिनकी पेंशन है, वे पेंशन बननी चाह, जो लाभ जिसे मिलना चाह, मतलब सरकारी योजनाओं का जितना लाभ है वो आप जितना लाभ है वो हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, सभी तक पहुंचाएं, सभी तक पहुंचे, मेरा तो यही है। बहुत अच्छी बात है। तो और एक जनता से अपनी वोट अपील कर आने वाली 19 तारीख के लिए। मैं तो यही जनता से आने वाली 19 तारीख के लिए बस अभी भाई मतलब अनाज होता किसान को उस पर जी। अच्छा, आपके गाँव में जो वोटिंग के दिन कितने प्रतिशत मतदान हो जाते हैं? हाँ जगह जी 70 के करीब हो जाएगा, 60-70। तो इस बार आप जनता को वोटिंग करने के लिए कैसे जागरूक कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सब वोट करना सबका अधिकार है। देखो घर घर जा रहे जी, सबको समझे रहे कि वोट देना अनिवार्य है, अनिवार्य है, चाहे आप किसी को दो लेकिन वोट दो। हाँ जी वोट दो, जो बाहर भी है फोन कर रहे भाई वोट देना जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोट दो किसी को भी अच्छा लगा उसे वोट दो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये थे बबलू जी अध्यक्ष जी, इनका कहना यह है कि जनता के साथ मैं पहले भी समाज सेवा के रूप में सबके साथ सभी कार्यों में खड़ा रहता हूं, साथ में ये मेरा इनका यह भी कहना है कि अगर जनता जिताकर मुझे अपने बीच में लाती है तो गांव में जो भी विकास कार्य रुके हुए, जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, मैं उनको घर घर तक पहुँचाऊँगा, किसी को इससे अछूता नहीं रखूँगा। साथ में सभी के लिए इनका एक संदेश है कि आने वाली 19 तारीख को जब वोट डालने जाए तो कोई भी बंदूक वोट कहीं भी डाल ले, लेकिन वोट डालने जरूर जाए, ये इनका अपना एक निवेदन है सभी से। और हम भी यही चाहते हैं कि एक समाज सेवी हैं और एक ईमानदार और परिश्रम करने वाले
ये प्रत्याशी के रूप में है, तो जनता से यही चाहते हैं कि जनता इनको भारी मतों से जिताए। इनका चुनाव चिन्ह है अनाज और सावा किसान, और मतदान 19 तारीख को होना है, 19 तारीख को जरूर जाएं और मतदान करें। धन्यवाद।